So yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel and this is इसके creation. तो guys आज है अपने Minecraft Hardcore का second day और मतलब बहुत ही decent चल रही है अपनी series. मैं एक मिनट दिखा देता हूँ. बहुत मतलब जाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ changes नहीं किए. मैंने simply यहाँ पर कुछ dirt collect किए है. कलेक्ट मतलब क्या क्या है मैं बता देता हूँ, क्या क्या चेंजेस है. घर में तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं. सो यहाँ पर मैंने चार फर्नेस बना दिए. ये स्टोन मैंने यहाँ पर माइन किया है एंड इसका भी मतलब यूज़ में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आज हम बनाने वाले घर आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा. सो मैं यहाँ पर इस एक मिनट यहाँ पर जो है मैं चार फर्नेस यहाँ पर रख दूंगा और मेरे पास अराउंड ओके इतने स्टोन है, ठीक है. सो मैं इन स्टोन को यहाँ पर लगा देता हूँ. यहाँ पर जो है स्टोन यहाँ पर पकने के लिए हमने रख दिया और नाइट भी होने वाली है. सो एक मिनट. तो ये तो मैंने फर्नेस और मतलब सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं माइनिंग टाइप किया है. सेकेंडली ये भी मैंने माइन किया है. इसका क्या विषय मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहले ये आयरन कलेक्ट कर लेते हैं और मतलब ये जो जगह आप देख पा रहे हो मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया. एक मिनट में सो लेता हूँ, मतलब आपको अच्छी तरीके से दिखेगा. गुड मॉर्निंग. सो लेट्स गो. सो यहाँ पर हमने इसका घर चुरा लिया था एक नाइट के लिए. भाई ज्यादा गुस्सा मत हो, ठीक है. नहीं भाई वो अच्छा बंदा है. सो यहाँ पर ये देखो मैंने पूरा ये जो है जगह पूरी तरीके से क्लीन कर दिया. मतलब जो पूरी यहाँ पर घास फूस थी पूरी यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया है. एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रास्ता टाइप बना लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बढ़िया प्लान किया है. सो ये प्लान मैं दिखा देता हूँ क्या प्लान है. ये देखो आप खुद ही पढ़ लो गाइस, ठीक है. एक मिनट. ये देखो जैसे मेरे 150 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ये प्लान मैं आपको रिवील कर दूंगा. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 सब्सक्राइबर्स हैं. तो जिसने नहीं किया जल्दी जल्दी आओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई मुझे भी ये रिवील करना है. सो मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बना दिया है और हार्ड कोर है इसलिए मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता. ये सब कुछ सर्वाइवल में होगा. सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, अपना आज बनाना है घर. तो यहाँ पर मैंने स्टोन पकने के लिए रख दिया. तो हमें चाहिए बहुत सा वुड चाहिए. तो मेरे पास बहुत कम वुड है. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ये कलेक्ट कर लेता हूँ मैं. ओके एक मिनट, यहाँ पर और एक बना लेता हूँ. ओके और इसको कलेक्ट कर लेता हूँ और लेट्स गो. वुड कलेक्ट करना है बहुत सारा. अराउंड मैं क्या करने वाला हूँ, 4 स्टैक अपना नॉर्मल ओक वुड जो होता है वो कलेक्ट करने वाला हूँ और 2 स्टैक ये वाला, ये जो बर्च वुड कहा जाता है ना, ये बर्च वुड कलेक्ट करने वाला हूँ. सो लेट्स गो, लेट्स गेट टू वर्क. गुड मॉर्निंग गाइस. तो यहाँ पर मैंने कल पूरा एक दिन यहाँ पर ग्राइंड किया और यहाँ पर पूरा जंगल मैंने साफ कर दिया है. एक मिनट दिखा देता हूँ मेरे पास कितना वुड है. ये ओक लॉग का 64, ये 64 और ये 33. ओके और नॉर्मल ये जो है बिर्च लॉग समथिंग जो है इतना मेरे पास हो चुका है, ठीक है. सो अभी के लिए इतना बहुत मेरे लिए इनफ है. अगर लगेगा तो और यहाँ से हम ले सकते हैं. सो बहुत मतलब एक ये जो ओक सैपलिंग आप देख पा रहे हो, सो इसको भी मैं लगा देता हूँ. मैं इतना हिचकिचा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी पेड़ को तोड़ते हैं तो हमें रीप्लांटेशन भी करनी चाहिए. सो मैं फट ये देखो अभी भी यहाँ पर नीचे जो है सामान गिरा हुआ है. सो इन सब की रीप्लांटेशन करनी है मुझे, ये है. सो लेट्स गो, अब अपना काम स्टार्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर और भी है, सो इन्हें बाद में लगा दूंगा. सो अभी जो अपना घर एकदम मैं 3 फ्लोर में बनाने वाला हूँ. सबसे नीचे वाला होगा जहाँ पर सब कुछ कुकिंग का मतलब खाने का विषय होगा. सेकेंड फ्लोर पर होगा जहाँ पर हम आयरन पकाएंगे एंड ऑल दैट करेंगे. और उसके बाद थर्ड फ्लोर पर हम अपने सोने के लिए मतलब बेड वगैरह अच्छी तरीके से करेंगे. सो ये मेरे 3 फ्लोर का प्लान है. सो सबसे पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ जो यहाँ पर हमने बनाया था. और भाई तोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ नया बनाना है तो कुछ तोड़ना तो पड़ेगा ना. पुराना जो इसे तोड़ना पड़ेगा. सो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर जो नीचे वाला फ्लोर है वो मैं बिर्च लॉक से बनाऊँ. बिर्च लॉक जो है वो अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से. A few moments later. सो गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है. सो मैं काम कर देता हूँ, फर्नेस को भी यहाँ से निकाल ही लेता हूँ, ठीक है. सो ये जो है फालतू का कचरा यहाँ से निकाल देता है. और मुझे चाहिए सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल.
सो क्राफ्टिंग टेबल में जो है मैं एक एक्स बना लेता हूँ खुद के लिए। ओके तो एक्स बन चुके हैं, इसको भी अंदर ही रख देंगे। अब मुझे क्या करना है, नहीं नहीं यहीं पर रखूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामान है, तो जो यहाँ का फालतू फालतू जो सामान है यहाँ पर मैं रख देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर ये डाल दूँ क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोबल स्टोन है, कोबल स्टोन ठीक है, फर्नेस भी है, तो मैं काम कर देता हूँ। यहाँ पर ये स्टोन है, सो इस कोबल स्टोन को मैं यहाँ पर, मैं थोड़े बहुत कोबल स्टोन मेरे लिए रख देता हूँ। सो ओके इतने कोबल स्टोन मेरे लिए ठीक है, तो ये स्टोन है। ओके ये भी स्टोन। ओके तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बना के देखता हूँ एक मिनट। ओके सो ये जो स्टोन ब्रिक कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे, देखने दो लुक कैसा आ रहा है। सो ठीक है लुक, मतलब बढ़िया भी नहीं कहूँगा और बैड भी नहीं कहूँगा, ठीक है लुक। सो यहाँ से अब मुझे 10x10 का बनाना है ना, ठीक है। सो एक मिनट, अब मुझे जो है ये चाहिए इनके प्लैंक्स, ठीक है ब्रिज प्लैंक्स। ओके सो मुझे एक मिनट देखने दो कि किस तरीके से बनने वाला है। सो अगर मैं एक यहाँ पर रख दूँ तो ये दो, एक दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके 15 कंप्लीटेड। सो अब मुझे जो है 15 हो चुके हैं ना, ठीक है। सो नहीं भाई 15 का कोई मतलब नहीं क्योंकि मुझे डोवर्स भी बनाने होंगे, सो मैं 16 का ही कर देता हूँ। ओके अब मुझे जो है ये बनाने हैं। ओके सो ये भी आपने बन चुके स्टोन, क्या बोलते हैं स्टोन ब्रिक्स। ओके सो स्टोन ब्रिक्स बन चुके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 लेयर ऊपर। भाई 5 तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, बट ठीक है भाई थोड़ा थोड़ा ही अपग्रेड करते जाएंगे। आज एक फ्लोर हुआ तो एक फ्लोर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ, और यहाँ से 5 ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैं सबसे पहले ये हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से नीचे, पागल पागल नुबड़े। सो कुछ इस तरीके से मैंने 2 पिलर्स खड़े कर दिए। सो अब मुझे क्या करना होगा कि कितना लंबा बनाना है वो भी सोचना होगा। मैं 15x15 का ही सोच रहा हूँ। सो मैं सबसे पहले जो बेस है अपना वो कंप्लीट कर देता हूँ 15x15 का। तो यहाँ पर एक हो गया, 2, 3, 4। ओके गाइस तो यहाँ पर मैंने परफेक्टली मैचअप कर दिया, 15x15 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर मुझे इसका भी फिलअप करना होगा, और मुझे पता है ये कम पड़ने वाला है, क्या बोलते हैं इसे, बिर्च लॉग। मुझे बिर्च का मेरे पास था ना, ओक प्लैंक्स है मेरे पास, ओक है, बट अब मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। 64 64 बहुत है, आई होप काम हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर मैं, रात हो रही है, इसके पहले मैंने यहाँ पर फ्लोर तो कंप्लीट कर दिया, और सिर्फ एक फ्लोर के लिए मैंने, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बहुत कहा भाई, भाई ये आ गई बीच में रिकॉर्डिंग के, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फ्लोर का काम जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर रात हो रही है। बट रात होने से पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। जो अपने पिलर्स है जो खड़े करने के, भाई एक मिनट ये ट्रांजिशन देखो क्या, अब ये देखो भाई क्या बढ़िया लगता है ना गाइज, ये देखो यही शेडर्स की कमाल है, मतलब रात होने का भाई ये देखो भाई फील देखो भाई, ओ भाई जस्ट एंजॉय दिस सीन भाई, वाओ दिस इज लवली मैन भाई, इसीलिए तो शेडर्स हैं। सो लेट्स गो, अब मैं क्या कर देता हूँ, सो लेता हूँ क्योंकि हार्डकोर में मस्ती नहीं चलेगी। ओके कोई अपना घर दे दो मुझे बेटा, आज तेरी बारी है। सो यहाँ पर हम सो रहे हैं, गुड मॉर्निंग। सो आज, ओ भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। सो आज जो है अपने घर का भाई नेक्स्ट दूसरा दिन है। सो मैंने 2 पिलर तो खड़े कर दिए थे, 2 पिलर। सो एक अच्छी लुक आ रही है, बट 15x15 इज ठीक है भाई, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जो मैंने सर्वाइवल में बनाया था ना वो बहुत बड़ा था, 3, 4, 5, ठीक है। जो बॉर्डर का जो विषय है मैं स्टोन का ही कर देता हूँ। सो लेट्स गो, जो एक अच्छी फ्रेम आ जाएगी, मजबूत लगेगा घर अपना। तो गाइस दिस इज द लास्ट लाइन, लेट्स गो। अब जो है विषय कर देते फटाफट। ओके तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कवर कर दिया, और लेट्स सी लुक कैसा आ रहा है, लुक तो बहुत बढ़िया आ रहा है। सो अब मुझे जो है ये यूज़ करना होगा, ओक प्लैंक्स, ठीक है ओक प्लैंक्स का मुझे यूज़ करना होगा। बट मुझे यहाँ पर मिडल देखनी होगी कि मतलब कितनी है, 1, 2, एक मिनट मैं रख देता हूँ, 1, 2। सो अब बढ़िया लग रहा है। सो यहाँ पर विंडोज़ वगैरह सब कुछ मैं बनाऊँगा। सो अभी टेम्परेली अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। सो मुझे वॉल कंप्लीट करनी होगी अपनी।
सो आज फर्स्ट फ्लोर ही हो पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने जो है एक लेयर नहीं एक वॉल कंप्लीट कर दी, और दिस इज लुकिंग प्रिटी नाइस। और इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, बट फर्क है। ये देखो, ये बिर्च है एंड दिस इज ओक। सो इसमें फर्क देख रहे हो आप, ये है अपना बिर्च, सॉरी ये अपना बिर्च राइट वाला, एंड लेफ्ट वाला जो है अपना ओक है। सो इसमें डिफरेंस तो है, और मुझे बिर्च का जो इतना मतलब फ्लोर के लिए बहुत अच्छा लगता है। प्लेन है, प्लेन है बहुत, और ये थोड़ा सा टेक्सचर है इसमें, इसलिए मैंने वॉल्स के लिए रख दिया है। सो ये मेरा इंटेंशन था। एक मिनट। Eventually. रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। ओके गाइस, तो मुझे छोटी सी गलती मेरी अब समझ में आ गई, सो मैं अभी इसे सुधार दूंगा। सो ये जो है ये लास्ट लाइन में इस स्टोन ब्रिक से ही बनाने चाहूंगा, ओके, क्योंकि वो अच्छा लुक देता है तगड़ा। सो मतलब मैंने वॉल्स तो कंप्लीट कर दिया, बट एक फाइनल जो करना था मुझे वो मैंने गलत कर दिया, बट ये अच्छा है, मतलब इसका लुक जो है बहुत बढ़िया है। सो गाइस, मुझे लग रहा है कि स्टोन जो है कम पड़ने वाला है, बट नो वरीज, तीन चार ही कम पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये देखो भाई कितना, सिर्फ दो कम पड़ेगा। ओ भाई नूबड़े, बट ठीक है भाई, मतलब अच्छा हो रहा है प्रोग्रेस अपना। सो स्टोन के लिए मैं, ओ यहाँ पर स्टोन है मेरे पास, सो नॉट बैड। ओ भाई रेडी भी हो गया, सो लेट्स गो। Eventually. ठीक है, डोर्स लग जाएंगे कुछ इस तरीके से, ओके। सो ये तो हो गया अपना बेसिक सा, मुझे अब विंडोज भी बनानी है, एंड ऊपर की साइड मुझे एक फ्लोर टाइप बनाना है। सो विंडोज बनाना है, फ्लोर बनाना, दोनों को हमको स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स गो, मेरे पास ये है ना ब्रिज प्लैक्स। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत से टॉर्चेस बनानी होंगी। कितनी बन सकती है? ओके, 45 बन चुके हैं। सो इसके अंदर टॉर्चेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं भी इन्हें एक पैटर्न में लगाऊंगा, तो सबसे पहले पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से। कुछ तो गलत हो गया, बट ठीक है भाई, अभी के लिए टेम्पररी, बाद में देख लेंगे इसके लिए। सो ये बहुत बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है सबको। सो यहाँ पर आई थिंक रात हो रही है, फिर से वही ट्रांजिशन देखो भाई। ओ भाई एकदम बढ़िया लग रहा है। सो मैं यहाँ पर विंडोज़ का जो विषय है कल स्टार्ट करूँगा, तो मैं एक मिनट थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है। ओ भाई जब ये पूरा बन जाएगा ना, तीन लेयर बन जाएंगे ना इसके, भाई बहुत बढ़िया लगेगा। और विंडोज़ जब इसमें और एडअप हो जाएंगी तो और बढ़िया लगेगा। सो अभी के लिए यहाँ पर सो लेते हैं। देखना होगा मुझे कि एक दो तीन चार पाँच छः, सो मैं 4x4 बना देता हूँ यहाँ पर, जो एकदम बढ़िया सनलाइट प्रोवाइड करेगा मुझे। सो सेम उसी अदर साइड पर बनाऊंगा 4x4। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट एक स्टैक जो है सैंड कलेक्ट कर लिया। सो लेट्स गो आउट ऑफ हियर। सो ओ भाई 61 हो चुके हैं, सो नॉट बैड। फटाफट जाते हैं इसे फर्नेस में डाल लेते पकने के लिए। ओके, सो जब तक ये पक रहा है तो मैं और ये बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, विंडोज। तो यहाँ पर 4x4 है, तो यहाँ पर भी मुझे 4x4 ही बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी आपकी 4x4, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जो है मैक्सिमम ग्लास कलेक्ट कर लिया, और अब मुझे बनाने प्लेन जो कुछ इस तरीके से बनेंगे। 16 प्लेन यहाँ पर बन चुका है, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, एक बार मैंने गलती से ज़्यादा बना लिए थे। सो 16 जो है, मतलब ये शेडर्स का विषय, मतलब काली काली ग्लास दिखते हैं, बट अच्छी है वो भी, मतलब कुछ चीज़ें शेडर्स में अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब है, बट दीज आर ऑल्सो गिविंग अ रियलिस्टिक इफेक्ट। सो इन्हें भी मैं कुछ नहीं कह सकता, बढ़िया है। ओके, तो फाइनली अपना फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। सो अब मुझे जाना है ऊपर, ऊपर के साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो है कुकिंग सेशन आने वाला है, तो यहाँ पर जो जो मतलब फर्नेसेस या समथिंग जो कुछ आने वाला है वो नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है, अभी सो बिल्डिंग होगी। सो मैं अब डायरेक्ट सेकेंड एंड थर्ड बनाकर ही आपसे मिलूंगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारा सामान लाना है, और यही जो मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाने में जो जो प्रोसेस किए सेम टू सेम ऊपर भी मैं सेम बनाऊंगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करने वाला। सो मैं मिलता हूँ सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर बनाने के बाद। 2000 years later.
वेलकम बैक गाइस। तो अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने बिल्ड किया, थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, ब्रेक भी हुआ, सो मैं अब सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आर यू रेडी टू सी व्हाट आई बिल्ड गाइस? 1 2 3 एंड हियर यू गो। ओ भाई, आपको यहाँ से एकदम मतलब वो फील नहीं आ रही, बट मैंने जो बिल्ड किया ना भाई, आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने एक इतना अच्छे तरीके से विदाउट एनी ट्यूटोरियल मेरे खुद का दिमाग लगाया इसमें। सो जैसे हम अंदर जाते हैं, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर वुड था, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कॉबल का जो ब्रिक होती है वो स्टोन ब्रिक, उससे मैंने उसको कवर कर दिया है। सो यहाँ से हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पर दो चेस्ट और ये स्टोन कटर तो भाई बाद में मैं निकाल दूंगा। सो यहाँ पर अपना जो मतलब मेन खाने का जो सेशन है वो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मैंने 5 फर्नेसेस रख दिए हैं। सो ये मतलब टेम्पररी बेसिस पे है चेस्ट वगैरह, तो ये चेस्ट वगैरह निकाल देंगे, बाद में स्टोरेज रूम जब बनेगा तो वहाँ पर वो उन्हें रख देंगे। तो बेसिकली ये जो है, यहाँ से अब हम ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स मैंने बना दिए। सो एकदम बढ़िया सा ये नीचे फ्लोर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये स्टेयर्स भी देखो इतनी बढ़िया लग रही है। सो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर का भी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब पूरा घर वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बट ऊपर का जो है, यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेन सोने का एंड एन्चेंटमेंट टेबल जो रहेगा वो यहाँ पर लाने की मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आएगा अपना एन्चेंटमेंट टेबल। सो यहाँ पर मतलब ज़्यादा देख नहीं पाओगे, बट आगे से ये बहुत अच्छा दिखता है डिज़ाइन, मैं नीचे जाकर दिखा देता हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जहाँ पर सोएंगे हम एकदम नेचर के क्लोज में सोएंगे। सो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको एकदम बढ़िया सा व्यू दिखता है। ये देखो भाई, सामने एकदम लेक, एंड जब आप उठोगे तो एकदम लेक होगा ऐसा, एकदम यहाँ पर सूरज उगेगा। सो बहुत अच्छा वो व्यू होगा। सो ये जो है, मैंने छत को जाने के लिए दो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हैं। सो छत पर भी मतलब जो मैं तीन फ्लोर बनाने वाला था वो नहीं बनाऊंगा। सो यहाँ पर मैं दो ही फ्लोर रखूँगा, क्योंकि बहुत ऊँचा हो चुका है मेरे एक्सपेक्टेशन से। सो इसे बनाने के लिए भाई मेरे बहुत ज़्यादा फट गए, और मैं सामने से दिखा देता हूँ, बट ये गैलरी सबसे मुझे पहले मैं दिखा देता हूँ भाई, इतनी मस्त है ना भाई, मतलब टॉप ऑफ द, मुझे बहुत पसंद आया खुद को ये घर, और अच्छा लगता है, मतलब कुछ अच्छा क्रिएटिव बनाया। तो मैं जो बात कर रहा था डिज़ाइन की, एक मिनट दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये डिज़ाइन ना, यहाँ पर मैं जब ग्लास लगाऊंगा ना, एक नंबर दिखता भाई। ये देखो डिज़ाइन अपना घर का, ओ भाई, इससे बोलते एक मिनट, अब देखो भाई, ओ वाओ। सो ये तो हो गया अपने घर का विषय। तो पीछे की जो ये है, एक मिनट दिखा देता हूँ, बालकनी है उसका विषय दिखा देता हूँ। जरा सा ऊपर चलते हैं, इसको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये जो बालकनी है ना, एक नंबर दिख रहे। तो ये सिर्फ बैक साइड पे है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, घर के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में भी सेम चीज करने वाला हूँ, बट वहां पर मैं ना ही कोई बेड रखूंगा, जस्ट एज अ बालकनी, और सामने जो अपना वो मेन डिजाइन है वही डिजाइन में रखने वाला हूँ। सो इट इज गोइंग वेरी वेरी वेल। जो मैंने, ओ भाई ये यहाँ पर फंस गया भाई, देखिए धरराएं काट रही है ओम तो। सो भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विषय हो रहा है। सो मैं इस एपिसोड को यहीं पर एंड करता हूँ गाइस। अगर आपको ये घर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और इसके अगले अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर दो भाई, और जो 150 वाला सरप्राइज है उसके लिए भाई शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जाओ भाई 150 वाले सब्सक्राइबर कर दो आप, मैं तो मुझे पता है 3-4 दिन में हो ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन या चार ही सब्सक्राइबर्स रह चुके तो वो हो जाएंगे। एंड हाँ भाई, एक अपडेट तो रह ही गया देने में, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर जो हमने ये लगाया था पम्पकिन, तो उसको भी मैंने अच्छी तरीके से ग्रो कर दिया है। सो ये भी बहुत बढ़िया टाइप से ग्रो हो रहा है, मतलब ये देखो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। लास्ट टाइम मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि पम्पकिन कैसे उगाते हैं, बट आई वॉज राइट, और यहाँ पर पम्पकिन बहुत ही अच्छी तरह से उग रहे हैं। सो यहाँ का सरप्राइज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो, और अगले अपडेट के लिए भी सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।